हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड फर्स्ट वाई, सेकंड साइन एक्स, थर्ड सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और फिगर की बात करते हैं तो फिगर आपको ये गिवन है। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर में कोई लेवल नहीं है, हम लेवल देते हैं ए बी सी, और बी पर 90 डिग्री है, मींस इसके अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। नाउ फ्रेंड एंगल एक्स हियर है, तो इट मींस बेस आपका यहां हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर ट्रीट होगा। नाउ फॉर द वाई, यानी फर्स्ट पार्ट यूज पाइथागोरस। तो पाइथागोरस होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पर हाइपोटेनियस मींस टू स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि वाई स्क्वायर, बेस यानी कि वन स्क्वायर। नाउ फोर माइनस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर। नाउ वाई इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस इज थ्री एंड दिस स्क्वायर एज अ स्क्वायर रूट। तो वाई की वैल्यू आपकी रूट थ्री आ गई फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो साइन एक्स, और साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ फ्रेंड परपेंडिकुलर मीन्स वाई, और वाई की वैल्यू है आपकी रूट थ्री, और हाइपोटेनियस यानी कि टू, तो ये हो गया आपका टू। तो साइन एक्स की वैल्यू आपकी हो गई रूट थ्री अपॉन टू। नाउ फ्रेंड सेकंड के बाद आप थर्ड देखते हैं, तो थर्ड है आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नाउ फ्रेंड अगर आप देखें यहां पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगर आप वैल्यू पुट करके करेंगे तब भी वो यूज करना पड़ेगा, और यहां पर चाहें तब भी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना है? यूज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो सेक एक्स होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनियस इज टू, और बेस की बात करेंगे तो बेस बिकॉज ऑफ दिस एंगल इज वन वन, और ये होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, और वैल्यू ऑफ वाई है आपकी रूट थ्री, और बेस आपका हो गया वन, और ये होल स्क्वायर। नाउ फ्रेंड दिस वन इज फोर अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन वन। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका आ जाएगा वन डिनोमिनेटर में, और डिफरेंस ऑफ फोर एंड थ्री इज वन, यानी यू गॉट इज वन योर आंसर। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। सिंपल है, फिर से देखते हैं। सबसे पहले जो फिगर है वहां पर लेवल, लेवल के बाद यहां पर हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर को असाइन कर लिया। बेस आपका ये होगा बिकॉज ऑफ दिस एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल इसकी वजह से बेस ही हो जाएगा। नाउ यूज पाइथागोरस, और आपकी y की वैल्यू आती है y इक्वल टू रूट थ्री। नाउ सेकेंड पार्ट साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर y एंड हाइपोटेनियस आपका जो आपको गिवन है टू, ये हो जाएगा, तो ये हो गया रूट थ्री अपॉन टू। नाउ थर्ड पार्ट में सिंपली हमने पहले ही a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया, देन sec x होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। नाउ इनकी वैल्यूज पुट करी टू अपॉन वन और रूट थ्री अपॉन वन, इसको होल स्क्वायर ओपन किया फोर अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन वन इक्वल टू वन अपॉन वन इक्वल टू वन इज योर आंसर। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।